गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम पेज नंबर 38 सबसे लास्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। वे दिन ऐसे थे कि आठवीं और नौवीं के विद्यार्थी भी आर्य समाज के रंग में रंग जाते थे और अपने धर्म की ईसाइयों द्वारा की गई आलोचना तथा निंदा का उत्तर दे सकते थे। वे आर्य समाज के प्रचारक सभासद बनते थे। बारहवीं के विद्यार्थी अंग्रेजी और उर्दू की पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे। हंसराज और उनके साथी लाजपत राय और गुरुदत्त ने ये सब कार्य किए। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने से पहले ही वे तीनों आर्य समाज के उत्साही सभासद बन गए थे। सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा स्वामी दयानंद के वेद भाष्य के कुछ भाग पढ़कर ये प्रखर वक्ता और प्रभावशाली लेखक बन गए तथा अनोखे आत्मविश्वास के साथ आर्य समाज के नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाने लगे। इस संबंध में एक रोचक संस्मरण है, क्या है देखिए। ऋषि दयानंद जी मृत्यु पर एक शोक सभा जालंधर में पंडित शिव नारायण वकील की कोठी पर हुई। योग्य वक्ता लाहौर से बुलाए गए। उनके स्वागत के लिए वकील साहब जब अपने साथियों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो उन्हें दो दुबले पतले विद्यार्थी युवक वहाँ दिखाई दिए। उन्होंने आपस में यही कहा कि लाहौर वालों ने हमारे साथ मखौल किया है, यानी कि मजाक किया है, कि ये लड़के ही भेज दिए। परंतु जब लाला हंसराज ने उर्दू में और पंडित गुरुदत्त ने अंग्रेजी में ऋषि दयानंद के गुणों का वर्णन किया तो एक दर्जन से अधिक वकीलों में से किसी का हौसला नहीं हुआ कि इनके धन्यवाद के लिए चार शब्द भी कह सकें। स्वामी दयानंद का देहावसान सन 1883 में अजमेर में हुआ। उनकी सेवा के लिए लाहौर से भी आर्यजन गए हुए थे। वहाँ से लौटकर उन्हें तथा लाहौर के अन्य ऋषि भक्तों ने आर्य समाज की ओर से ऋषि का स्मारक बनाने का निश्चय किया। यह स्मारक दयानंद एंग्लो वैदिक यानी कि DAV स्कूल के रूप में 1886 ईस्वी में बना। नौजवान हंसराज ने अवैतनिक मुख्याध्यापक का कार्यभार संभाला, यानी कि बिना पैसे के उन्होंने मुख्याध्यापक का काम किया, कोई वेतन नहीं लिया। उनके बड़े भाई मुल्कराज लाहौर में ही नौकरी करते थे। उन्हें इस समय 80 रुपये मासिक मिलते थे। युवा हंसराज अपनी समस्या लेकर उनके पास गए। बड़े भाई बोले कि अपने वेतन का आधा भाग मैं तुम्हें आजीवन देता रहूँगा, पवित्र और निष्काम भावना से काम करो। लाला मुल्कराज ने आयु भर इस प्रण का पालन किया। तो बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।